कल आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें जो है कुछ लोग जिला सचिवालय करनाल के सामने प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। संत रामपाल के अनुयायी जो है वो लोग थे और उनकी जो है पुस्तक को जो है उनका कहना था कि पुस्तक का अपमान किया जा रहा है, उसके विरोध में वो यहाँ पर प्रदर्शन करने आते हैं। उसके बाद आज जो है यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं उसी मामले से जुड़े हुए और क्या कुछ जो है उनका कहना है। फिलहाल जिला सचिवालय से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह से उन्होंने किसी का जो है ऐसा नहीं किया है, किसी को जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जो वो आरोप लगाते नजर आ रहे थे वो नहीं की गई है। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। ये उसी गांव से लोग हैं, आसपास के उनके लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो उस वक्त जो है जब वो प्रचार करने उस गांव में जाते हैं तब वो पूरा मामला होता है और उसके बाद ये लोग भी काफी रोष में जरूर है। एक बार बातचीत करते हैं क्या कुछ इनका कहना है कि औरतों के साथ छेड़खानी की है। ये सबसे मेन झूठ है और सच्चाई बता नहीं रहे हैं कि वो एक्चुअली उस गांव में करने क्या गए थे, क्या उनको परमिशन मिल सकती है, क्या कितने, वो गांव में प्रचार गांव में बता रहे हैं जी 50-60 गए हैं, औरतें भी थी उनके साथ। अब गांव वाले तो रोकेंगे, सिर्फ जेंट्सों ने थोड़ी रोका है, औरतों ने भी रोका है, औरतों ने भी रोका भाई। आप क्यों प्रचार करें कि वो धर्म परिवर्तन की बातें, धर्म परिवर्तन की बात करें, ऐसा तो आप सभी को पता आम चल रहा है, 2-2 लाख रुपए देकर धर्म परिवर्तन की बात कर रही है। अब क्या है कि हिंदू धर्म को पता नहीं कैसे कमजोर मान लिया, कैसे इन चीजों का स्वार्थ के पीछे। उस दिन बात कैसे शुरू हुई थी? बात शुरू ऐसे हुई थी कि गांव में गए प्रचार करने के लिए, गांव वालों ने विरोध किया, बस उसके उन्होंने जब गांव वालों ने विरोध किया तो उनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने माफी भी मांगी, अगले दिन उन्होंने दरखास्त दी और वो भी क्या की औरतों के साथ छेड़खानी की। अरे आप किसकी परमिशन से आप प्रचार करने आए? और रही उनके ग्रंथ की बात, कोई किसी तरह का कोई ग्रंथ नहीं है। आप देखो पूछो कल क्यों नहीं दिखाई, अगर आप वो कह रहे हैं भाई सड़क पे ग्रंथ था तो उन्होंने पढ़ के क्यों नहीं दिखाया? अब ये मोबाइल है, सबको दिख रहा है मोबाइल है, तो ग्रंथ कहाँ पे ग्रंथ दिखाओ, वो क्या दिक्कत है उसमें? क्या अगर वो किसी चीज का अगर प्रचार कर रहे हैं तो विद दी परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, एसपी से परमिशन ले, डीसी से परमिशन ले। गांव में वो धर्म परिवर्तन के लिए आए थे, वो कह रहे जी रामपाल को अडॉप्ट करो, रामपाल आपको ये कर देंगे। अब ये एक बात बताओ, आपको भी देखो चलो जितने भी पत्रकार हैं उनका भी किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे आपके साथ आए हैं जिनको पर्सनली उनके द्वारा बोला गया था कि भाई मतलब ये धर्म अडॉप्ट, जिन्होंने बोला उनके खिलाफ दरखास्त दे दी। अच्छा, अब ये मेन बात ये है, जिन्होंने बोला अगर मैं विरोध करूंगा तो मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। अब देखो अगर आपको कोई चीज अडॉप्ट नहीं हो रही है, कोई प्रेशराइज करके आपको बोला जाएगी आपके माँ बाप बेकार हैं, दूसरे के माँ बाप अडॉप्ट कर लो, क्या पत्रकार ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी चैनल के माध्यम से क्या एसपी डीसी भाई सबसे पहले ना इतने बड़े बड़े अफसर बैठे, पहले उनको संत रामपाल को उनको सदस्य बनाओ, आम आदमी क्यों बका रहे हैं? अगर वो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, कल इन्होंने इतने आदमी आए हैं वहाँ पे तो उन्होंने ग्रंथ क्यों नहीं दिखाया, उनमें ग्रंथ की जो इंडेक्स है वो क्यों नहीं दिखाया? अगर समय रहते प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? देखो ऐसा है कि मेन बात तो ये है कि देखो सबसे पहले तो भारत है, अगर भारत किसी भी तरीके से टूटेगा तो सभी समाज को आगे आना चाहिए, फिर दोबारा रोष होगा। अगर वो रोड जाम करके वो रोष दिखा के पब्लिक दिखा के ये सोचेंगे कि गलत आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए तो क्या ऐसा संभव है? तो प्रशासन से सिर्फ यही है कि पहले सबसे बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, उनको बुलाया जाए, पूछा जाए कि कौन से ग्रंथ की बात हो रही है, आप किसकी परमिशन से वहां जा रहे हो। अगर आदमी 15-20 आदमी के साथ कहीं पे भी जाता है तो क्या उसके कानून के पास परमिशन है, क्या सरपंच ने उनके सही ने? तो अभी जो जिला सचिवालय आप आए थे तमाम गांव के लोग आए थे? नहीं, सभी अलग अलग तरीके से आए हुए हैं जी, अलग अलग गांव से आए हैं, अम्बाला से आए हुए हैं, ठीक है, और सभी समाज के आए। और उसमें एक चीज का एलिगेशन लगाया कि राजपूत समाज ने रोका, अरे राजपूत समाज क्यों रोकता, हर जगह मतलब उस चीज में सभी समाज एक गांव में सभी तरह के समाज के लोग हम तो चाहते हैं सत्य सामने आना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए बिल्कुल, और वो बुक्स दिखनी चाहिए। आप सभी से है कि उनके पास भी जाए भी पहले बुक्स दिखाओ, गीता ही ग्रंथ है, गीता के बारे में क्यों लिखा हुआ उन्होंने अगर वो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं? क्योंकि इसके अब आप लोग से ना ज्यादा समय लेते हुए अभी प्रशासन से भी यही प्रार्थना है कि जो उन्होंने दरखास्त लगाई है वो बिल्कुल झूठी लगाई है, और वो जो उनके अनुयायी हैं वो अपने लालच में है, वो पैसे उठाना चाहते हैं, पब्लिक को साथ में लगा के फिर उनसे पैसे मांगते हैं, फिर किसी अवैध जगह प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, एक सभी को साथ में दिखा के अपनी धक्का बना रखते हैं। जो अपने आप को संत कहता है, क्या किसी संत को पकड़ने के लिए आश्रम से बाहर आने के लिए इतनी फोर्स की जरूरत पड़ती है? जब तू संत है तो समाज में आ, समाज के अधीन कर अपना फैसला, समाज के लोग फैसला करेंगे। संत की उपाधि को स्वयं नहीं ले सकता, धार्मिक समाज देता है, संत समाज देता है, और हमारा ये समाज देता है। समाज के लोग कोई गांव में डेरा है,
वहाँ पर कोई साधु रहता है, वो अपने आप को नहीं कहता मैं भगवान हूँ। समाज के लोग उसके पुण्य को, परोपकार को, सेवा को, उसके जीवन को देख करके उसके गुणों की बड़ाई करते हैं। आपके तो आश्रम में आग लगा लगा करके आपको भगा रहे हैं, वहीं के आसपास के लोग जब जहां दिया जलता है तो आसपास पहले प्रकाश करता है। टॉर्च हाथ में होती है, सबसे पहले पास में प्रकाश करती है, ऐसा नहीं 250 किलोमीटर दूर प्रकाश करेगी। तुम करोंथा में थे, करोंथा के आसपास के लोगों ने क्यों तुम्हारे आश्रम में आग लगा करके जलाया और तुम्हें भगाया? तुम बरवाड़ा थे, बरवाड़ा में क्यों सरकार को एक्शन लेना पड़ा? क्यों निकले नक्सलवादी? क्यों अवैध हथियार निकले? क्यों नशा निकला? क्यों वहां पर असामाजिक तत्व निकले? क्यों मरवाए इतने लोग? अब तो ये गांव गांव में बुके लेके पहुंचे, तो आखिर इनके पीछे की मंशा क्या? मंशा है अपना भोले भाले पाखंड फैला करके लोगों को अपने साथ भीड़ के रूप में इकट्ठा करना, जिससे भीड़ बना करके प्रशासन पे दबाव डाला जाए कि हमारे गुरु की पैरोल हो जाए, कोई 10 दिन के लिए बाहर निकलाए, थोड़ा ढील हो जाए, दबाव बनाना चाहते हैं। इसका यही एक मकसद है। शुरू हो गई है, अब ये गांव गांव इनका विरोध होगा। ये गांव गांव जहां प्रचार करने जाएंगे वहां लोग अपने धर्म का पालन करते हुए इनसे सवाल पूछेंगे और उन सवालों का ये जवाब देते नहीं है, आरोप लगाते हैं। जब कोई सवाल पूछ, हम इनको आज चैलेंज देते हैं, आप प्रचार करने तो तब जाओ जब धर्म सभा से आपकी पुस्तक प्रमाणित हो जाए। आप एक धर्म सभा बुलाइए, उस धर्म सभा में अपनी पुस्तकें रखिए और आप शास्त्रार्थ कीजिए, वहां से आप विजयी हो जाएं, फिर आप समाज में जाइए। कौन रोकता है आपको? पहले शास्त्रार्थ के मंच पे आओ। मैं आह्वान करता हूं इनका, जो रामपाल के जितना प्रचार करने वाले हैं और जो इनकी पुस्तक बांटने वाले हैं, आओ पहले अपने किसी विद्वान आचार्य को लेके आओ और जिन जिन विषयों पे तुमने आक्षेप किया है वो हमारे साथ मिलके पहले शास्त्रार्थ करो, और यदि आप विजयी हो जाए तो अपनी बात को मनवाओ, समाज में जाओ। कौन मना करता है? सर आपका परिचय? मेरा नाम स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती है, मैं गुरुकुल चलाता हूँ कुटिया नलवी खुर्द में, एक गौशाला भी चलाता हूँ, आर्य समाज का सन्यासी हूँ। जिस आर्य समाज ने इसे करोंथा से भगाया और फिर अपने कुकर्मों से ये बरवाला से भागा, हमारे पूज्य आचार्य बलदेव जी और हमारे पूज्य आचार्य विजयपाल जी, उन्होंने संघर्ष किया है और ये वहां से मुंह छुपा करके भागा करोंथा से।